सो है गाइस, कैसे यार आप सभी लोग। यार आज का ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज यार आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से पबजी मोबाइल का 1.1 वर्जन अपडेट कर सकते हो। अपने इंडिया में तो पबजी है नहीं गाइस, तो आप किस प्रकार से कर सकते हो अपडेट पबजी मोबाइल को। आपके पास अगर ग्लोबल वर्जन चल रहा है तो वो आप कैसे अपडेट कर सकते हो, या आप कोरिया वर्जन खेल रहे हो तो उसको आप कैसे अपडेट कर सकते हो, आज की इस वाली वीडियो में जानेंगे। और तीन चीज़ मैं आपको बताऊँगा, तीन तरीका जिससे आप अपडेट कर सकते हो अपने पबजी मोबाइल को, वो ग्लोबल वर्जन हो या कोरिया वर्जन हो। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो यार, तो अगर कोई आपको इतना अच्छा चीज़ बता रहा है तो उसको सपोर्ट करना तो बनता है, तो इसलिए यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल पाए कि पबजी को कैसे अपडेट करना है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है गाइस, वो उन लोगों के लिए यार जो कि अगर आपके पास वाईफाई है, तो अगर आपके पास वाईफाई है गाइस तो आप थोड़ा देर वेट कर लो 8 बजे के बाद। मैं आपको बता रहा हूँ जब 8 बज जाएगा सुबह के, उसके बाद मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसमें यार आपको करना क्या होगा, बस APK इंस्टॉल करना होगा, जो कि होगा 70 MB के आसपास का, 60 to 70 MB के आसपास का होगा। और अगर आपके पास वाईफाई है तो बस उसको आप इंस्टॉल करो, और वो जितना रिसोर्स पैक होता है 1.6 GB का, वो खुद से इंस्टॉल कर लेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो गाइस, मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे आके मेरे को मैसेज करो, मैं वहाँ से आपको लिंक दे दूँ। तो यार ये तरीका आपके लिए सबसे आसान है, आप आके मेरे को मैसेज करो, मैं आपको दे दूंगा लिंक। और यार हो सके तो फॉलो भी कर लेना यार, क्योंकि जो मैं यहाँ नहीं बता पाता हूँ वहाँ पर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। उसके अलावा गाइस दूसरा जो तरीका है वो आप कर सकते हो, APK प्योर इंस्टॉल कर सकते हो। APK प्योर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और वहाँ से आप अपडेट कर सकते हो ग्लोबल वर्जन भी और कोरिया वर्जन भी। लेकिन यार वहाँ पर एक दिक्कत है ना, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो होता है डाउनलोड का, कभी कभी यार APK प्योर ग्लिच हो जाता है, इसलिए यार वहाँ पर काफ़ी स्लो आपका अपडेट हो सकता है। तो ऐसे केस में आप तीसरा जो ट्रिक है, या फिर बोल सकते हो तीसरा जो रास्ता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप टैप को इंस्टॉल कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि टैप को आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन यार चाइनीज़ वर्जन और इंग्लिश वर्जन दो वर्जन है, तो आप इंग्लिश वर्जन ही ट्राई करना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। वहाँ से उसको आप इंस्टॉल कर लेना, और वहाँ से आप जो पबजी का दोनों वर्जन है, ग्लोबल वर्जन और कोरिया वर्जन, यहाँ तक कि अगर आप वियतनाम वर्जन भी काफ़ी लोग खेलते होंगे, तो वो आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन यार मैं फिर भी बोलूँगा कि अगर आपके पास वाईफाई है तो यार पहला वाला ट्रिक ही यूज़ करना, क्योंकि यार मेरे हिसाब से वो काफ़ी इजी है गाइस। आपको बस 70 MB का APK इंस्टॉल करना है, उसके बाद कोई OBB का चक्कर नहीं है, आपको OBB वो खुद से डाउनलोड कर लेगा, बस आपके पास वाईफाई होना चाहिए। तो यार इस प्रकार से आप गाइस मतलब अपडेट कर सकते हो अपना पबजी को वर्जन 1.1 में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी का और एक्साइटिंग वीडियो में। पीस आउट।